मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली मेरे पति के ऊपर। विधायक थे उनके साथ तीन लोगों की हत्या हुई, 2 लोगों घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद में न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते भाई सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जेल मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते भाई उनका आजीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूर भान करवरिया, एक उनके बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नाम जब मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति के हत्या होने के बाद यह सरकार उनके चरित्र के कि राजपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिलाओं के हाथ सुरक्षित करते हैं। मेरे पति के ऊपर 47 दिन दिनारे चलाया गया, आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूंगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में 47 वालों का बरी किया जा रहा, ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। धन्यवाद। इससे कि सर ऐसे कई छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे, उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, असुर भान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आज गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। धन्यवाद माननीय जी। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आपसे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और भरोसा भी है कि हम महिलाओं को जब सुरक्षा कर रहे हैं तो मुझे न्याय मिले। आपसे मैं अपनी बात कह रही हूँ।